हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेकर ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 18। तो 17 लेक्चर्स कर चुके हैं जिसके अंदर इतना सारा कंटेंट मैंने आपको करवा दिया कि आप कोई पेड कोर्स खरीदने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट मुझे लगता है। तो इतना कुछ करने के बाद अब आपको भी समझ आ रहा होगा कि कितना कुछ आपने कर लिया है, कितना आपका ब्रेन डेवलप हुआ है, कितना नहीं हुआ है और कितना आप अब क्वेश्चंस को निकाल पा रहे हैं। अभी हालांकि ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ भी बाकी है। अभी जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस हम कर रहे थे, अभी सिर्फ हमने साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन वाले किए हैं। अभी जो बाकी के आइडेंटिटीज़ हैं उनके अभी करने हैं, लेकिन अभी बीच में ही एक और मैं चीज़ इंसर्ट करूँगा आज, तो वो जो है फॉर्म, उसके क्वेश्चंस करेंगे। प्लस देखेंगे कि कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं उनको देखते ही कैसे हिट करना और फटाफट से जो चुटकियों में आंसर कैसे निकालना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। क्योंकि मुझको बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इस बार पेपर में बड़े ऊट पटांग से क्वेश्चन आए, बड़े 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 क्वेश्चन आए। तो हालांकि हम वैसे क्वेश्चन भी अभी करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर्स में भी आप देखेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अगर आप सोल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जब मैं आपको तरीका बताऊंगा तो आप जो चुटकियों में निकालेंगे उनको। ओके, तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। और उससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दो, और जितना शेयर एंड सब्सक्राइब वगैरह सब ठीक है करते रहना। चलो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो गाइस सबसे पहले एक फॉर्म करते हैं, पहले तो वो फॉर्म लिख देता हूँ, उसके बाद उसका प्रूफ बताता हूँ कि कैसे करना है। प्रूफ तो कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर करके बताऊँगा। तो देखिए क्या है फॉर्म, वो ये है ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा इज इक्वल टू अगर सी है, और आप देखिएगा कि जो साइन है वो साइन तो यहीं रहेगा और कोस है जो वो भी यहीं रहेगा, लेकिन कोफिशियंट्स उल्टे हो जाएंगे और यहाँ पे बीच में एक माइनस आएगा। फॉर्म को याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ये वाला कोफिशियंट इधर आएगा बी साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ए कोस थीटा इज इक्वल टू डी। फॉर्म को याद कैसे रखना है वो बता रहा हूँ मैं आपको कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ जो सेकंड वाली, इसको कैसे याद रखना है कि आपको ये जो कोफिशेंट है बी वाले को इधर ले आना, ए वाले को इधर ले आना, क्रॉस बन गया एक तरह से ये देखिए, लेकिन साइन और कोस को नहीं छेड़ना और बीच में प्लस की जगह माइनस लगा देना। जब भी ऐसा हो तो इसके अंदर आपको रिजल्ट याद रखना है कि सी स्केयर प्लस डी स्केयर, सी स्केयर प्लस डी स्केयर इज इक्वल टू में क्या हो जाता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये रिजल्ट आपको याद रखना है गाइस। ओके, तो अभी प्रूफ करके बताता हूँ कि कैसे ये रिजल्ट आता है, लेकिन यहाँ पे कभी भी ऐसी फॉर्म दिखे तो ये अगर रिजल्ट याद होगा तो तुरंत 3-4 सेकंड के अंदर क्वेश्चन निकल जाएगा। प्रूफ देखिए कैसे करना है इसको। यहाँ पे देखिए स्क्वेयर्स हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि अब इतना तो समझ आ ही रहा होगा कि यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर देंगे तो कुछ ना कुछ बनेगा। तो स्क्वेयरिंग ही करके देखते हैं कि इस पूरी इक्वेशन की स्क्वेयरिंग करता हूँ और इस पूरी इक्वेशन की स्क्वेयरिंग करता हूँ, तो आप देखो इसकी करोगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में 2ab साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू में सी स्क्वेयर। ठीक है, अब दूसरे वाली इस इक्वेशन की करते हैं, तो इसकी करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा माइनस, बेशक से लेकिन माइनस 2ab होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, गलती से भी यहाँ मत कर देना सिली मिस्टेक हो जाएगी, माइनस में 2ab साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू में डी स्क्वायर। अब देखो साफ ही दिख रहा है ये तो हो गए कैंसिल, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये सेम क्वांटिटीज हैं, ये होगी कैंसिल। यहाँ पे देखो आप साइन स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अगर जब कॉमन निकालेंगे, इनको एक्चुअली ऐड करना है इनको, ठीक है, ऐड करके जब साइन स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका कोफिशियंट बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का। और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लो बाहर, तो अंदर क्या बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो हो गया 1 इक्वल टू में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये 1 को भी हटा दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लीजिए, ये हमने प्रूव कर लिया ये वाली आइडेंटिटी को। तो ये आपको इतना तामझाम करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाई चांस अगर ये भूल जाओ तो फिर ये चीज़ याद रहेगी अब एटलीस्ट। ओके, ये नहीं होगा कि क्वेश्चन हम कर नहीं रहे हैं, कि क्वेश्चन में ब्लैंक नहीं होंगे, बेसिकली क्वेश्चन को करके आएंगे, लेकिन अगर ये प्रूफ नहीं पता है और सिर्फ ये रट्टा मार रहे हैं तो बाई चांस अगर भूल गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये फॉर्म का मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि कन्फ्यूजन क्या होता है इस फॉर्म को याद रखने में, कि हमें लगता है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, बस ये बी इधर आ गया
और ए इधर आ गया। कई बार ये कन्फ्यूजन होता है इस फॉर्म को याद रखने में, कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि हमने बी कोस थीटा इधर लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो हम सोचते हैं कि बी कोस थीटा इधर लिख दो माइनस में ए साइन थीटा इधर लिख दो, वो भी गलत है क्योंकि साइन साइन यहाँ पर ही रहेंगे, कोस कोस यहीं रहेंगे, सिर्फ जो है कोफिशेंट्स इधर उधर बदल रहे हैं, समझ रहे हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है बस। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े। देखो सबसे पहले ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी है और बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा इज इक्वल टू डी है, तो डी हमें फाइंड करना है। डायरेक्टली देख सकते हैं वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही करना है हमें। इसके कोफिशेंट क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी देखिए बी और ए ही है कोफिशेंट, तो ये हमारा जो फॉर्म कहती है, जो हमारा रिजल्ट कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कहता है, तो सी स्क्वायर प्लस में ये डी स्क्वायर, तो आपको डी स्क्वायर निकालना है अगर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और डी क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर, ये प्लस माइनस आएगा। ओके तो ये तो गया हो, अब इसमें तो कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। देखो छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल उसी रिजल्ट पे था, वो मैंने करवा दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं इसके अंदर भी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, इसमें क्या है कि 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा इक्वल टू 5 है और हमें निकालना है ये। देखो ये इक्वेशन देखे बिना ही मैं यहाँ से वो इक्वेशन जनरेट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये आदत आपको डालनी है कि अगर ये इक्वेशन दी हुई है तो आपको दूसरी इक्वेशन खुद से जनरेट करनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जहाँ पे दूसरी इक्वेशन दी ही नहीं गई होगी और कुछ ऐसा वैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, वो मैं बताऊंगा आगे कहाँ पे कैसे होगा, तो वहाँ पे अगर आपको ये दूसरी इक्वेशन बनानी नहीं आएगी ना तो दिक्कत है। अभी देखो बिना देखे उसको मैं आपके सामने इसको बना के दिखाऊंगा और आपको भी ऐसे ही करना है। देखो 5 साइन थीटा लिखा है प्लस 3 कोस थीटा इक्वल टू 5, तो जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो इस तरफ आ जाता है, साइन ऐसा ही रहता है, ठीक है, माइनस आ जाएगा प्लस की जगह पे, और जो इधर वाला कोफिशिएंट है वो इधर आ जाएगा। मैंने बताया था कि क्रॉस बनता और कोस ऐसा ही रहेगा इज इक्वल टू में डी, यहाँ का नहीं हमें पता कि क्या हो सकता है, तो वही चीज़ है कि उसने ये देखिए 3 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा यही निकालना था इक्वल टू डी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे इसको, अगेन वही चीज़ लगाइए आप कि 5 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी 5 3 है, यहाँ भी 3 और 5 है, तो उन्हीं का दोनों का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू में 5 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रही होंगी ये छोटी छोटी चीज़ें। चलिए अब देखते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन, ये तो ऐसा छोटे छोटे क्वेश्चन कंसेप्ट बनाने के लिए, अब देखो इसको। हाँ तो ऐसा क्वेश्चन तो पहली बात तो ऑप्शन देख के ही हमें घबराहट होने लग जाती है कि करें कि ना करें, ठीक है, यहाँ भी थोड़ी ठंड हो रखी है यार, इसीलिए थोड़ी कम कम भी छूट रही है मेरी। एनीवेज तो यहाँ भी क्या है कि एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा इक्वल टू 2 है, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा इक्वल टू 0 है, तो हम फटाफट से आंसर क्या मार्क करने वाले हैं अब इसका, हम क्या कर रहे हैं साइन का कोफिशेंट कोस का इज इक्वल टू में 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि 2 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं इक्वल टू 4। तो आप जल्दी जल्दी में इसका आंसर मार्क करने वाले हैं कुछ ही है। और किसी ने भी ये बात ऑब्जर्व भी नहीं की होगी आप में से, मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत बार ये गलती होती ही होती है। मैंने जैसे कि वादा कर रखा है कि यहाँ पे मैं सारी की सारी जितनी भी आप सिली मिस्टेक कर सकते हैं ना पेपर के अंदर यहीं पे न्यूट्रलाइज़ कर देंगे उसको, ताकि एग्ज़ाम में जाके ना हो। तो ये देखिए कि ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है और सबसे बड़ी सिली मिस्टेक होती है, इसीलिए मैंने बोला था कि ध्यान दीजिएगा कि मैं फॉर्म कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, ये गलत है, दिस इज़ नॉट द आंसर। अब खुद से इस वीडियो को पॉज करके दिमाग लगा के सोचिए कि ऐसा क्यों नहीं है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ओके हाँ तो यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्म इस फॉर्म से वो वाली फॉर्म क्रिएट करने की कोशिश करूँ, मैंने क्या बोला था कि इधर x है तो अगली वाली फॉर्म में क्या आएगा y और साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा और cos थीटा ऐसे ही रहेगा और इक्वल टू में d, ये हमें पता नहीं है। तो ये देखो इन दोनों को देखो, d तो यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे माइनस वाई कोस थीटा लिखा, जबकि हमारी फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था माइनस एक्स कोस थीटा आना चाहिए था, तो इसका मतलब है कि ये रिजल्ट यहाँ पे वैलिड नहीं है। यहाँ भी देखिए एक्स साइन थीटा, जबकि हमारी फॉर्म के अकॉर्डिंग आना क्या चाहिए था वाई साइन थीटा, तो ये तरीका नहीं लगाना यहाँ, यहाँ पर कौन सा तरीका लगाना आप देखिए, या तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे वो कर लीजिए, वो नहीं करना तो यहाँ पर देखिए कि एक्स साइन थीटा जो है इक्वल टू में वाई कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इसको इतर लेंगे, तो यहाँ पे x साइन थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो आप, वो क्या हो गई
वाई कोस थीटा और एक वाई कोस थीटा ये वाला है, तो ये होगा टोटल कुल मिला के टू वाई कोस थीटा इक्वल टू में टू, टू टू कैंसल, तो वाई वाई की जगह पे आप या ये कहिए वाई इज इक्वल टू वन बाय कोस थीटा, या फिर कहें कि कोस थीटा इज इक्वल टू वन बाय वाई। समझ रहे हैं इस चीज़ को कि कोस थीटा आ गया वन बाय वाई। अब ऐसे ही देखिए कि जब ये वाई कोस थीटा आप देखेंगे यहाँ पे वन है, समझ रहे हैं ना, वाई कोस थीटा वन है क्योंकि ये टू टू कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे वाई कोस थीटा है तो इसको इक्वल टू वन कर दीजिए, या फिर ये नहीं समझ आ रहा तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू क्या है वन बाय वाई है, तो यहाँ पे पुट कर दो कोस थीटा की वैल्यू, तो वन बाय वाई हुई तो भी वन ही आया यहाँ, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वन हो जाएगा, तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा वन बाय में एक्स। एक तो इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, और एक आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। देखो कितने काम की चीज़ है ना, छोटी सी चीज़ है, पता सबको है, लेकिन यूज़ बहुत बड़ा है, तो यूज़ करना आना चाहिए, यूज़ नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा इसका। तो वही चीज़ है कि साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है वन बाय एक्स स्क्वायर, कोस स्क्वायर की है वन बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू में वन, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ना कि ये क्वेश्चन पक्का पक्का 95% स्टूडेंट्स गलत करके आएंगे पेपर में, लेकिन आपको मैंने समझा दिया कि गलत नहीं करना है, सिली मिस्टेक नहीं करनी। हमारी जो फॉर्म होती थी वो होती थी ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू में सी, और यहाँ होता था बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा इक्वल टू में डी। तो आप देखो कि ए और बी को अगर मैं इक्वल पुट कर दूं, इक्वल और वो भी वन के इक्वल, तो आप यहाँ पे देखिए कि ये वन के इक्वल इसको पुट किया, वन के इक्वल इसको किया, वन के इक्वल इसको किया, वन के इक्वल इसको किया, यानी ए और बी को मैंने वन के इक्वल पुट कर दिया, तो ये देखिए ये कुछ ऐसी फॉर्म बन गई। समझ रहे हैं इस चीज़ को, फॉर्म अभी भी वही है, बस हमने क्या किया ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू वन कर दिया, लेकिन फॉर्म तो वही है ना एक तरह से। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन इंटू, तो यहाँ देखिए इस चीज़ को देखिए क्या ये वैसा सही क्वेश्चन नहीं बन गया। तो कई बार क्या है कि हम इस क्वेश्चन को इस तरह से देख के घबरा जाते हैं और समझ नहीं आता कि कैसे करें, तो इसीलिए इसको ऐसे कर सकते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे आप अगेन वही कीजिए, यहाँ पे इस रिजल्ट को भी आप याद रख सकते हैं, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत जगह काम आएगा, अगर याद रखना है तो याद रख लीजिए, नहीं तो ये फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर याद है तो उसी से ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी तो वन वन ही है, तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर ये तो वन वन ही होंगे, इक्वल टू में सी का स्क्वायर, यहाँ पे सी क्या है एक्स है, एक्स का स्क्वायर प्लस में डी का स्क्वायर, ओके। तो डी स्क्वायर अब हमने निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस डी निकालना है, ठीक है, प्लस माइनस रूट में टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कुल मिला के आंसर हो जाएगा गाइस। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी है। ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपका ध्यान उस क्वेश्चन की तरफ लेके जाना चाहता हूँ जो ऑलरेडी लास्ट टू लेक्चर्स में मैंने करवाए थे, जो टाइप उसमें मैंने आपको क्या करवाया था, अगर आपको याद हो तो एक क्वेश्चन कराया था कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा की फॉर्म अगर होती है और इक्वल टू में क्या हो जाता है, सपोज करो 17/13 हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि इसका आप देख लीजिएगा ट्रिपलेट जो बनता है, ट्रिपलेट वाला बताया था। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे क्या बन रहा होगा, नीचे अगर हाइपोटेन्यूस बन रहा है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो ऊपर क्या होगा परपेंडिकुलर और बेस का सम होगा। तो ये देखो ये हाइपोटेन्यूस है, अगर ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, हमें पता नहीं कि कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस है, लेकिन दोनों का सम जो है वो हमें पता है 17। तो ये देखिए, तो ये वही वाली फॉर्म थी, ओके। तो इसके अंदर तो हम इस तरीके से कर लेते थे कि 17 को क्या लिख लेते थे हम 5/13 प्लस 12/13, तो हम बोल देते थे कि एक साइन होगा इसमें से एक कोस होगा और वहां से हम निकाल देते थे। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है देखो, दिखने में ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर अगर आप वो चीज़ यूज़ करेंगे तो हो सकता है गलत है। पहली बात तो ये कि आपको पता नहीं कि साइन और कोस उसमें क्या होते हैं, क्योंकि जो साइन है वो कोस भी हो सकता है और जो कोस है वो साइन भी हो सकता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। तो एक तो वो चीज़ इसलिए नहीं यहाँ पे लगानी है, ओके। और दूसरा चीज़ ये कि यहाँ पे यार हमें इसकी एक फॉर्म पता है जब ऑलरेडी, तो हम उससे क्यों नहीं कर रहे हैं ये क्वेश्चन। तो वही चीज़ है कि अभी अभी जो ये मैंने करवाया, ये देखो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो एक्स से साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या है, ये अभी करवाया आपको, तो फिर यहाँ पे भी वही चीज़ लगाते हैं ना, वो किस लिए रखा हुआ है। तो वही है कि यहाँ पे देखो फॉर्म वही बन रही है ना, तो जब वन वन है तब तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, बस कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से इसको कर दो। तो इसको वन स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर करोगे तो टू हो गया इज इक्वल टू में, इसका स्क्वेयर करोगे तो टू
साइन स्क्वायर थीटा प्लस में वहाँ उसका हमें पता नहीं, इसको डी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं ठीक है, प्लस डी स्क्वायर कर दिया। डी स्क्वायर ही हमें निकालना है, तो आप क्या करेंगे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू टू माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू कोस स्क्वायर थीटा। तो डी क्या आ गया आपके पास, प्लस माइनस में रूट टू कोस थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ओके, अगर आप वो ट्रिपलेट वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे तो वो मत करना, बहुत लेंथी काम हो जाएगा, तो उससे बेटर है ये चीज़ कर लेना। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। चलिए देखते हैं कुछ और चीज़ें। ओके, बहुत टाइम से मैं इन टाइप्स के क्वेश्चंस का इंतज़ार कर रहा था, यही मैं बोल रहा था कि इनको फटाफट से कैसे करना है सॉल्व, वो भी बताएंगे, लेकिन पहले इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि क्या होता है। देखो, ये कंडीशन आपको दी हुई है और ये चीज़ आपको वैल्यू निकालनी है, तो जो दिया हुआ है उसको देखते ही आपको हिट करना चाहिए कि क्या चीज़ इसमें करना है। ये देखिए, इस चीज़ को देखिए, इस पूरे को, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कर सकते हैं वन माइनस में साइन स्केयर थीटा, तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्केयर थीटा। तो कहने का मतलब है कि साइन थीटा जहाँ भी है उसकी जगह पर मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, या कोस स्क्वायर थीटा कहीं भी है तो उसको साइन थीटा लिख सकता हूँ। आप देखो कि कोस की पावर 8 है, तो कोस स्क्वायर ये है, तो कोस की पावर 8 अगर आपको करना है तो इसकी पावर 4 कर दो और इसकी पावर भी 4 कर दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन की पावर 4 थीटा, तो कोस की पावर 8 कितना हो गया, साइन की पावर 4। अब आपको जो निकालना है उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ साइन के अंदर, ये जो निकालना है ना हमें, इसको मैं साइन के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 8 की पावर निकालना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन उससे छोटी पावर्स हो सकता है कुछ ऐसा बन जाए जो मैं निकाल पाऊँ। तो यहाँ पे 8 की जगह क्या हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने क्या बोला कि अगर कोस स्क्वायर 2 पावर है उसकी, तो साइन की पावर उसके आधी है ठीक है। तो यहाँ पे कोस की पावर अगर 8 है तो साइन की पावर उससे आधी है, एक तरह से आप देखेंगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ओके, तो जब आप यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ 4 बन जाएगा, यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे तो 2 बन जाएगा, फिर यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे तो 8 बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 4 बन जाएगा। ओके, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे कि कोस 8 को लिख सकते हैं साइन 4 थीटा प्लस में 2 कोस की पावर 6 थीटा, लेकिन साइन की जब करेंगे तो इससे आधी हो जाएगी पावर, तो साइन 3 थीटा। ओके, ये ऐसे भी कर सकते हैं आप कि यहाँ पे दोनों साइड क्यूब कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, कोस 6 थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, तो वही चीज़ है ये। तो इतना तामझाम करने के बजाय डायरेक्टली फटाफट से इसको करना है हमें, तो कोस 4 थीटा, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, पावर्स को आधा कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब आप इस चीज़ को देखिएगा, इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देख पाएंगे कि देखो कभी भी ऐसा कुछ बनता है ना कि 1 2 1, देखो ध्यान से 1 2 1 कुछ ऐसा बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये किस चीज़ की निशानी है, ये निशानी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर की, क्योंकि वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कोफिशेंट देखिए 1 2 1, ऐसे ही अगर यहाँ पे माइनस होता तो भी सही था ये ठीक है, माइनस 2ab होता तो भी ये लग सकता था। तो वही चीज़ है, वो डिटेक्ट करना पड़ेगा साइन कि a माइनस बी का होल स्क्वायर के a प्लस बी का होल स्क्वायर है, हमेशा इन क्वेश्चन में यही बनेगा, या तो क्यूब बनेगा या होल स्क्वायर बनेगा। तो ये होल स्क्वायर बन रहा है अभी यहाँ, तो ये कितना हो गया, ये आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया। ये आपको कैसे पता लग रहा है कि इसी का स्क्वायर बनेगा, फटाफट से डिटेक्ट करने का तरीका होता है, इस चीज़ को देख लो, साइन क्यूब थीटा है ना, तो एक साइन को अलग कर लो, एक साइन स्क्वायर को अलग कर लो। अब आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन 4 होता है, बिल्कुल सही, और साइन जो इसमें जैसे एक अलग किया था उसका होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर, तो ठीक है ये हो गया प्रूफ, -3। अब आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, ये वही चीज़ हमेशा ऐसा ही होगा कि ये एंड में ना वही चीज़ बन जाएगी जो आपको गिवन दी हुई है। आप देखो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का ये होल स्क्वायर बनेगा, हमेशा ऐसे होगा इन क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो इक्वेशन के एंड में ये फाइनली जब रिड्यूस हो जाएगा ना, तो ये चीज़ हमेशा वही बन जाएगी जो आपको गिवन है, ताकि आप इसको 1 पुट कर पाए। तो 1 का स्क्वायर -3, ये हो गया 1 -3, -2 आपका आंसर हो गया। ओके, अब जल्दी करने का तरीका देखिए, आपको जब पता ही है कि ये सारी की सारी चीज़, ये जो आप स्टेप्स कर रहे हैं, आप इस चीज़ को रिड्यूस कर रहे हैं इस चीज़ में, समझ रहे, सारे के सारे कोस को आप साइन में रिड्यूस कर रहे हैं, फिर एंड में जो रिड्यूस होने के बाद आने वाला है वो आपको पता है कि वही चीज़ आने वाली है जो यहाँ पे गिवन दी हुई है, तो आप इतना स्टेप्स कर ही क्यों रहे हैं। आप डायरेक्टली क्या कीजिए, जितने भी साइन है ना, सब साइन को यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, क्योंकि ये जो है ये बनाने वाला है ये वाली इक्वेशन, जब वो ये होल स्क्वायर ही बनाने वाला है तो ये जो इसकी वैल्यू दी हुई है ना उसका ही स्क्वायर लिख दीजिए, समझ रहे हैं ना इस बात को। तो जब आप यही चीज़ लिख देंगे ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए
एक और बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे अगर स्क्वायर बन रहा है तो आपको इस चीज़ का स्क्वायर लिखना है, अगर यहाँ पे क्यूब बन रहा है तो क्यूब लिखना, ये आपको देखना पड़ेगा। अभी क्यूब वाला आगे करेंगे तो उसमें डिटेक्ट कैसे करेंगे वो बताऊंगा, अभी सिर्फ सिर्फ स्क्वायर वाला देखिए। स्क्वायर वाले में क्या होगा, 1 2 1 होगा, तो वो देखिए 1 कोफिशिएंट 2 कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट। और ये हमेशा याद रखना कि स्क्वायर वाले में 3 ही टर्म्स हो सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 3 ही टर्म है। तो यहाँ भी देखिए 1 साइन 2 साइन 3 साइन, तो 3 ही टर्म्स यहाँ पे हो गई। ये -3 का तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है ये 3 ही टर्म्स होनी चाहिए, अगर यहाँ पे 4 टर्म्स हो जाती तो ये वैलिड ना होता, तो हम ये ना कर पाते। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे 3 टर्म्स है तो तुरंत आपको कुछ नहीं करना है, बस ये 3 टर्म्स है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख दो, क्योंकि ये हमेशा होल स्क्वायर ही बना रहा होगा। तो आप क्या करना है, 1 का स्क्वायर और उसके अलावा जो बचा हुआ उसको भी जरूर लिखना, ये -3 भी है कहीं इसको भूल जाओ, -3, तो आपका डायरेक्ट आंसर -2 आ जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये बता दिया कि 2-3 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो कैसे करना है, टाइम कम पड़ रहा है, एकदम से पेपर में देखा कि अरे ये तो वही क्वेश्चन है, तुरंत ऐसे इसको सोल्व करो, पता लगे लास्ट के 4 या 5 सेकंड बचे हुए हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको कि एंड में ये होता ही होता है कि कई बार हो जाता है कि आखिरी के 10-15 सेकंड में हमारा दिमाग बिल्कुल डंप हो जाता है, पता ही नहीं लगता है। तो हम हो सकता है कि आपका पेपर कुछ छूट रहा हो, हो सकता है आपने कुछ छोड़ दिया हो क्वेश्चन जो एंड में एंड के लिए, तो बाई चांस उस टाइम पर आप फटाफट से क्लिक कर रहे हो और आपके आगे वही क्वेश्चन आ गया कुछ ऐसे वाला, तो फिर उस टाइम पर कैसे करोगे इसको। अगर आप पूरे मेथड से करने बैठ जाओगे इससे तो फिर तो 10-15 सेकंड में तो कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन वही 10-15 सेकंड में अगर आपको ये तरीका पता है तो आराम से इसका आंसर आप निकाल लोगे और 2 नंबर आपके, समझ रहे हैं, और 2 नंबर से बहुत फर्क पड़ता है भाई। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए गाइस, इसमें क्या है कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ओके, तो अगेन वही वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि जो टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ गई हैं। आप देखो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 4 टर्म्स हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि स्क्वायर तो नहीं बन सकता, हो सकता बन भी जाए हो सकता नहीं भी बने। ये देखिए बहुत वेरिएशन है क्वेश्चन में, ये जो अभी मैं लॉजिक बता रहा हूँ ना, ये तो सिर्फ ये है कि अगर टाइम कम पड़ जाए तो तुरंत उसको करने का, कि फटाफट से अगर करना है तो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अगर कोई बंदा इसमें चेंजेस करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है कि आप इस तरीके से सोल्व ही ना कर पाएं जो छोटा तरीका मैंने बताया। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि इतना चेंजेस नहीं किया जाता, क्योंकि ये कोई कैट जैट तो है नहीं कि वैसे चेंजेस किए जाएंगे। यहाँ पे SSC के अकॉर्डिंग ही है ये क्वेश्चन, तो इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे इनमें, ठीक है। तो वो वाली पार्ट को मैं हटा रहा हूँ कि इतने एग्जॉस्टिव भी कुछ चेंजेस कर दिए जाए, हालांकि मैं बता रहा हूँ आपको कि हो सकता है कि चेंजेस करने से ये बिल्कुल चेंज हो सकता है। ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब नॉर्मल क्वेश्चन हो, और SSC में नॉर्मली पूछे जाएंगे, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं पूछे जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो तुरंत अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो यहाँ पे अब क्या बन रहा है, कोफिशेंट देखिए 1 3 3 1 1 3 3 1, ये जो निशानी है ये होल क्यूब की निशानी। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, आप देखिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यानी कोफिशेंट क्या हो गए, 1 3 3 1, ये कोफिशेंट हो गए गाइज। ओके ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ ये 11 का भी क्यूब होता है ना, 121 एकम बाई 23, हाँ बिल्कुल सही है, ये 11 का क्यूब भी होता है, ठीक है ना, उससे भी थोड़ा याद कर सकते हैं। तो 1331 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, क्यूबिक के अंदर, और 11 का क्यूब भी है ये, तो वैसे ही याद हो जाएगा। ओके, तो ये जब भी कहीं दिखे तो इसका मतलब है कि कोई क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बनेगी ये क्यूबिक इक्वेशन, लेकिन इसको फटाफट से सोल्व करने का भी क्या तरीका बताया कि पहले तो इसको रिड्यूस करो। ये क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि sin स्क्वायर थीटा। वैसे इसको भी रिड्यूस करने की जरूरत नहीं थी, ये जो होल, ये सारी की सारी इक्वेशन है ये होल क्यूब ही बनने वाली है। तो इन नटशेल मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस मैं 2 लिख सकता हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ओके, तो अभी इसको हटा देते हैं, ये तो छोटा तरीका था, मैंने छोटा बता दिया आपको, अब थोड़ा सा लंबे तरीके से भी देख लेते हैं कि कैसे करना है। तो लंबा तरीका क्या है कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि cos थीटा की पावर आधी है sin के बदले में, क्योंकि sin की यहाँ पे पावर डबल है और cos की आधी है। तो आपको यहीं पर वही चीज़ देखनी है कि sin की पावर जो है उससे आधी है cos की पावर इसके अकॉर्डिंग, नहीं तो फिर यहाँ पे रेज टू पावर 6 करोगे, फिर यहाँ पे 6 लगाओगे, इतना तामझाम करने के बजाय ऐसे उसको अप्रोच करो कि cos की पावर sin की पावर से आधी है। तो यहाँ पे क्या है, sin की पावर 12 है, तो आप लिखो
कोस की पावर 6 थीटा, क्योंकि कोस की पावर आती है साइन से, प्लस में 3 कोस 5 थीटा, प्लस में 3 कोस 4 थीटा। ठीक है, कोस में कन्वर्ट करना है और पावर आधी आधी करते जाना है। क्यों कन्वर्ट करना है, ये इस वजह से करना है, इसको पुट कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। प्लस में साइन 6 को क्या लिख सकते हैं, कोस क्यूब थीटा प्लस में 2। अब इस चीज़ को देखिए, ये चीज़ को आपको देखिए कि यहाँ पे 1 3 3 1 बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये और ये जो है ये जरूर इन्हीं का कुछ क्यूब्स बने होंगे। तो यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है कि कोस थीटा का होल क्यूब, यानी कि जो ब्रैकेट में आने वाला है, प्लस में कोस थीटा, यहाँ पे होल क्यूब आएगा। ठीक है, जब आप ये अभी देखते हैं कि क्या बनेगा, इसको भी देख लेते हैं पहले। तो कोस की पावर 6 है, तो आपको होल क्यूब बनाना है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोस स्क्वायर आ जाएगा। आप देखिए कोस स्क्वायर थीटा का जब होल क्यूब करेंगे तो कोस की पावर 6 बनेगा, बिल्कुल सही है। कोस थीटा का होल क्यूब करेंगे तो कोस क्यूब थीटा बनेगा, ओके। और ये बीच वाले भी बना के देख लीजिएगा, 3a² b, वो भी बन रहा है यहाँ पे, 3ab² भी बन रहा है। होल क्यूब तो खोलना आता है ना भाई, तो ये इनको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आपको ये और ये से ही पता लग जाएगा कि होल क्यूब क्या है, प्लस में 2। तो अभी क्या मैंने बताया था कि ये देखो यहाँ भी क्या बन रहा है, ये 1 ही बन रहा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो यहाँ भी क्या बन गया, 1 का क्यूब प्लस में 2, तो ये आ गया आपका 3 आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये छोटा मेथड भी आपको समझ आ गया होगा और ये लंबा मेथड भी समझ आ गया होगा। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ये जो क्वेश्चन है, मैंने जो अभी बताया ना आपको कि ये कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट होने वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें टफ भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पकड़ लिया कि अगर बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे शॉर्टकट को, तो वो कैसे अप्रोच करना है। मैंने क्या बताया था कि जब होल स्क्वेयर होगा तब आपको सिर्फ देखनी है 3 टर्म्स, मतलब 3 टर्म्स देखनी है। जब होल क्यूब होगा तो आपको देखनी है 4 टर्म्स। ठीक है, ये क्यूब के लिए मैंने बताया आपको, यहाँ पे क्या था, 1 3 3 1, यहाँ पे था 1 2 1, ये था स्क्वायर के लिए। यहाँ पे 3 टर्म्स देखनी है, यहाँ पे 4 टर्म्स देखनी है, ओके। अब यहाँ पे देखिए कि कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, वो 2 को भी मैं नहीं गिन रहा हूँ, जो कोस की फॉर्म में टर्म्स है वो 6 टर्म्स है। तो मैंने कहीं भी आपको नहीं बताया कि 6 टर्म्स के लिए क्या करना है। अब यहाँ पे यही चीज़ थी, यही चीज़ मैं उस टाइम पे समझा रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा शॉर्टकट वैलिड हो ही हो, लेकिन यहाँ भी हो जाएगा। वो आपको करना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप होल स्केयर बना रहे हैं तो आपको 3 ही टर्म्स यूज़ करनी है, आप होल क्यूब बना रहे हैं तो 4 ही टर्म्स यूज़ करनी है, लेकिन जो बाकी की टर्म्स हैं उनको भी कंसीडर कर लो ना, फिर उनको कंसीडर कर लो कि उनसे क्या वेरिएशन आने वाला है, तो वो कर लेते हैं हम। तो आप देखो कि होल क्यूब कहाँ पे बन रहा है, देखो 1 3 3 1, ओके, तो यहाँ बन रहा है। लेकिन एक और मैं बात बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ऐसे ही बनता। अब सपोज करो कि कोस 12 की जगह यहाँ कोस 4 थीटा लिख देते और यहाँ कोस 4 थीटा की जगह कोस 12 थीटा लिख देते, तो आपको रीअरेंज करना पड़ता, वो थोड़ा सा और टफ कर देते क्वेश्चन। तो आपको कोस 12 थीटा को इधर लिखना पड़ता, कोस 4 थीटा को फिर इधर लिखना पड़ता, तो फिर जाके हमारा क्या बनता, 1 3 3 1, क्योंकि अगर यहाँ पे कोस 4 थीटा होता तब ये होल क्यूब नहीं बन रहा था, तो आपको खुद ही पता लग रहा है कि वो नहीं बन पाता ऐसा। अब यहाँ पे देखो ये बिल्कुल सही अरेंज्ड है ये इक्वेशन, ठीक है, टफ नहीं है, इसीलिए अगर मतलब कि डी अरेंज होती तो फिर दिक्कत होती है आपको। तो यहाँ पे देखिए 1 3 3 1, ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ये होल क्यूब बना सकती है। तो किसका होल क्यूब बनेगा वो भी देख लेंगे इसके अंदर, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये है कि ये बन सकता है होल क्यूब। ठीक है, अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं। और फिर एक्स्ट्रा देखो क्या है हमारे पास कि कोस 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 है, तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म है इसका अगर हम सॉल्यूशन निकाल लें तो बस हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब होल क्यूब बनने वाला है तो इसके अंदर तो मैं यही लिख दूंगा कि जो यहाँ पे दिया हुआ है 1 का क्यूब प्लस में 1 तो 2 ये है, प्लस में अगर मैं इसको फाइंड आउट कर लूँ तो मेरा आंसर आ गया तुरंत, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखो क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब हो जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कोस स्क्वेयर थीटा। तो कोस स्क्वेयर थीटा क्या है, साइन थीटा, इसको सोल्व कर रहा हूँ अभी मैं, साइन थीटा प्लस में कोस 4 थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वेयर करेंगे तो साइन स्क्वेयर थीटा, ये भी क्या बन गया, ये देखो 1 बन गया। तो नॉर्मली जो यहाँ पे छोड़ेंगे ना क्वांटिटी वो भी 1 ही बन रही होगी, 1 मतलब कि जो यहाँ पे गिवन है ना वही क्वांटिटी बन रही होगी, बिल्कुल सेम यही वाली इक्वेशन फिर यहाँ पे बन जाएगी अगर वो कुछ एक्स्ट्रा देंगे तो, सिर्फ टफ करने के लिए क्वेश्चन को। तो हम क्या है कि ये वाला 1 जनरली हम मतलब कि इस्तेमाल नहीं करेंगे और फिर हमारा आंसर गलत आ जाएगा, हम इसमें भी क्या करेंगे कि यहीं तक निकाल देंगे और इस टर्म को हम भूल जाएंगे कि हमें तो सर ने बता रखा था कि सारे कोस या साइनों उनको आप वही लिख दो जो गिवन है, तो फिर वहाँ गलती हो जाएगी।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे आपका आंसर 4 होगा गाइस। यहाँ पे ये गलती बिल्कुल मत करना, और ये वाली गलती भी बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर सपोज करो इस क्वेश्चन के अंदर इसको -1 लिखते हो, इसको -1 लिखते, ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे गलती से सिर्फ यही सोची जा रहे हैं कि यहाँ पे 1 का क्यूब ना लिख के हम सीधा 1 ही लिख लें, अपना ही शॉर्टकट बना लिया कि 1 ही लिख लें, तो भी आंसर गलत आएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे अगर -1 का क्यूब करेंगे ना आप, तो यहाँ पे -1 आएगा, समझ रहे हैं। लेकिन हालांकि वो ठीक है कि जो वहाँ लिखा है वो वहीं आ जाएगा, लेकिन फिर भी ये चीज़ मत कीजिएगा आप, अगर यहाँ पे जो क्यूब बन रहा है तो क्यूब लगाइए, स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर लगाइए। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो गाइस कुल मिला के ये था आज का लेक्चर, अगर आपको जनरली कंटेंट अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितने लोगों को शेयर करेंगे उतना ही उन सब के लिए बेनिफिशियल रहेगा, एटलीस्ट पेड कोर्सेज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस।